नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां थाना मुबारकपुर क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला अमीलों में मानसिक इलाज चल रहे पुत्र द्वारा अपनी माता के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मां की मृत्यु हो गई। कारित करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। दोपहर में 12 बजे सुखिया देवी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल की है, इनके लड़के सुनील ने लोहे के रॉड से इनके ऊपर प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। सुनील का इलाज मानसिक रूप से चल रहा था, मानसिक इलाज इसका चल रहा था 2021 से, और वर्तमान में ये कहीं अगल बगल कहीं भाग गया है। पुलिस की टीम गठित करी गई, शीघ्र इसकी गिरफ्तारी कर राजधानी का